हाय एवरीवन, तो ये हमारी सीरीज जावा एंड ऊप्स के मॉड्यूल टू ऊप्स की वीडियो नंबर 11 है। ठीक है, तो टॉपिक 11 है क्या? एक और इंटरव्यू क्वेश्चन, काफी ज्यादा फेमस फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरराइडिंग एंड मेथड हाइडिंग? ओवरराइडिंग में एंड मेथड हाइडिंग में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, ओवरराइडिंग हमने लास्ट क्लास में देखा था। ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? पहली चीज, ओवरराइडिंग रन टाइम पे रिजॉल्व होती है। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने किसी चाइल्ड क्लास का एंड उसमें कोई मेथड ओवरराइड हो रखा है, तो जो भी लास्ट ओवररिडन मेथड है अप टू दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके नीचे वाली क्लासेस में नहीं जाएंगे, अप टू दैट ऑब्जेक्ट कि जौन सा हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वहां तक जो भी लास्ट ओवररिडन मेथड होगा वो वाला रन हो जाएगा। बट ये हर केस में नहीं होता। किस केस में नहीं होता? मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ना, जो भी कंपाइल टाइम पे रिजॉल्व होते हैं वो मेरे ओवरराइड नहीं होते। ठीक है, बट मैंने कहा कि ना, मेथड जो है वो रन टाइम पे रिजॉल्व होते हैं, मेथड्स रिजॉल्व होते हैं, सारे मेथड्स नहीं होते। ये बात ध्यान रखना, मेथड्स कंपाइल टाइम पे रन टाइम पे रिजॉल्व होते हैं, मतलब ओवरराइड होते हैं, बट सारे मेथड्स नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ वो मेथड्स होते हैं जिन पे स्टैटिक नहीं लिखा होता, या फिर जिनके आगे प्राइवेट नहीं लिखा होता, या फिर जिनके आगे फाइनल नहीं लिखा होता। अगर कोई भी मेथड है जिसके आगे स्टैटिक लिखा है तो वो मेथड ओवरराइड नहीं होगा। वो मेथड हमारा कंपाइलर डिसाइड करेगा कि कौन सा चलने वाला है, जो रेफरेंस होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड चलेगा। ठीक है, प्राइवेट लिखा है तो भी ओवरराइड नहीं होगा, फाइनल लिखा है तो भी ओवरराइड नहीं होने वाला। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस वाले एग्जाम्पल से देखेंगे। इस वाले एग्जाम्पल का मतलब क्या था? इससे ये प्रूव हुआ था हमारा कि ना, हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो ओवरराइड नहीं होते। क्यों? वो जो हमने वेरिएबल्स एल एंड डब्ल्यू प्रिंट करे थे वो हमारे एम एस फ्लैट के प्रिंट नहीं हुए थे, वो किसके प्रिंट हुए थे? एस एस फ्लैट के, मतलब वो एल एच एस पे डिपेंड कर रहे थे। बट जब मैंने एरिया प्रिंट किया था तो एरिया मेरा एम एस फ्लैट का प्रिंट हुआ था। क्यों? क्योंकि वो मेरा एरिया ओवरराइड हो गया था। तो अगर मैं प्रूव कर दूं कि मेरे स्टैटिक के लिए ये कंडीशंस ट्रू है, ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं कि क्या स्टैटिक के लिए ये चलता है। देखो, मैंने अपने एस एस फ्लैट मेथड में एक स्टैटिक मेथड बनाया, आई एम स्टैटिक। ठीक है, एग्जैक्टली सेम बनाया एम एस फ्लैट में, आई एम स्टैटिक। ठीक है, एंड इसमें किया कि मैं एम एस फ्लैट के स्टैटिक में हूँ, एंड इसमें प्रिंट किया कि मैं एस एस फ्लैट के स्टैटिक में हूँ। अब एक बार इस कॉम्बिनेशन को चलाते हैं, ये कॉम्बिनेशन बनाया एंड मैंने कॉल क्या किया, सी थ्री डॉट, देखो यहाँ पर मेथड है, मेथड का नाम है आई एम स्टैटिक, इसको प्रिंट कराया। एक बार रन करते हैं इसको, ये कराया इसको रन, तो देखो आउट डॉट टीएक्सटी में मेरा क्या है, आई एम इन स्टैटिक ऑफ एस एस फ्लैट, जबकि ये वाला मेथड मेरे एम एस फ्लैट में ऑलरेडी ओवरराइड हो रखा है। ये देखो, एम एस फ्लैट में ओवरराइड हो रखा है बट एम एस फ्लैट का नहीं चला। क्यों? क्योंकि जो मेरे स्टैटिक, अगर वेरिएबल के आगे या फिर मेथड के आगे स्टैटिक लग गया तो वो मेथड एंड वो वेरिएबल स्टैटिकली टाइप्ड हो जाते हैं, मतलब स्टैटिकली बाइंड हो जाते हैं, वो कंपाइल टाइम पे ही रिजॉल्व हो जाते हैं, उनको रन टाइम की जरूरत नहीं होती। जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिसाइड कर रहा था कि वो कंपाइल टाइम पे चलेगा, एग्जैक्टली सेम तरीके से स्टैटिक भी डिसाइड करेगा कि वो रन टाइम, वो कंपाइल टाइम पे ही चलेगा। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला स्टैटिक मेथड है, ये जो मैंने एस एस फ्लैट में एक आई एम स्टैटिक बनाया था, ये एस एस फ्लैट था एंड यहाँ पे एम एस फ्लैट था, यहाँ पे आई एम स्टैटिक मेथड था एंड यहाँ पे भी आई एम स्टैटिक मेथड था। ठीक है, मैंने इसका रेफरेंस दिया था तो इसका स्टैटिक आई एम स्टैटिक कॉल हुआ, इसका मतलब इसका आई एम स्टैटिक हो गया हाइड। तो इसको कहते हैं हम मेथड हाइडिंग, कि जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो हमारे रेफरेंस पे बेस्ड होते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट पे बेस्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंस था मेथड हाइडिंग एंड ओवरराइडिंग में। मेथड हाइडिंग में हम स्टैटिक का यूज कर लेंगे एंड ओवरराइडिंग में स्टैटिक का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरराइडिंग में अगर स्टैटिक लगा रहे हैं तो वो हमारा कंपाइल टाइम पे रिजॉल्व होगा। ठीक है, सो ये था इस वीडियो के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।